बदलते वक्त के साथ हमारे समाज की बेटियां शिक्षा व्यवस्था से जुड़ रही हैं। प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक, आईटी से लेकर वकालत तक, हर शिक्षण संस्थान में लड़कियों की मौजूदगी है। लेकिन सवाल भी यही है, शिक्षा हासिल करने के बाद हमारे समाज की बेटियां नौकरी की राह पकड़ रही हैं, रोजगार कर रही हैं, या फिर किचन उन्हें जकड़ ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पिंक एक्सप्रेस की इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं गाजियाबाद। अब बात सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई की नहीं होनी चाहिए, बल्कि लड़कियों के आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। और जब लड़कियां पढ़कर भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो दिक्कत कहाँ है? सबसे पहले आप सभी ये बताएं, रोजगार या किचन? चलिए, बड़ी संख्या में आवाज रोजगार के लिए उठी है। अब क्या क्या दिक्कतें हैं इस पर हम बात करते हैं। जी, आप बताएं, आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई कर रही हैं, क्या सोचा आगे करने का? मैम, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है एंड मैंने मैम पीएसयूज में एंट्री के लिए सोचा है, पीएसयूज में जॉब के लिए। आसानी से हो जाएगा सब कुछ या कुछ है रास्ते में हर्डल्स हैं? हाँ मैम, थोड़े हर्डल्स हैं, मतलब थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, पापा कहेंगे कि मतलब थोड़ा जॉब का टाइम दो प्रिपरेशन के लिए या फिर शादी के लिए। मगर हाँ, मेरे घर में ऐसा है कि मेरी ही बात मानी जाएगी, मतलब पापा ऐसा नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे अलाउ करेंगे, मैं जितने भी साथ। ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सी लड़कियां ऐसे भी होंगी जिनके सामने कुछ और चैलेंजेस भी होंगे और चैलेंज को सामना करते हुए आगे बढ़ रही होंगी, आप बताएं। मैम, सबसे ज़्यादा इंडिया में सपने टूटते हैं तो इस कोर्ट से कि लोग क्या कहेंगे। हमारे घर में ऐसा है सिचुएशन कि जब भी मैं छुट्टियों में जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आफ्टर बीटेक तुम्हें शादी करनी है। दादा दादी कहते हैं कि हमारा सपना है, कहीं हम हमारी डेथ ना हो जाए उससे पहले हम तुम्हारी शादी देखना चाहते हैं। पर उन्हें मैम समझना चाहिए कि जो बंदा 4 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मशीन डिजाइनिंग में काम किया हो, वो बाद में किचन में जाके अपना पोटेंशियल इंक्रीज करना नहीं चाहता है, बल्कि वो और जगह जाके मशीन बना के सॉफ्टवेयर डेवलप करके देश को कुछ देने में विश्वास रखता है। और कैपेबिलिटी है, लड़कियां तो दोनों काम भरपूर कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत उनके सामने होती है, कभी घर, कभी परिवार, कभी समाज। आप भी? मैम, मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की हूँ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, स्टिल उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इस ब्रांच से, बट मेरे अदर देन रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स, उन्होंने मुझे कहा कि सीएस ब्रांच है, लड़कियां ज़्यादा चूज करती है क्योंकि उसमें मेनली जो हमें मिलता है वो कंपनी वर्क मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ फील्ड जॉब्स। बट मैम स्टिल की अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहती हूँ, मैं दूसरों को इतना मैटर नहीं करती हूँ, फैमिली मतलब अदर देन सोसाइटी। यानी कि आप बागी हो गई हैं। कितनी लड़कियां बागी हो पाती हैं जो अपनी फैमिली से अलग हटकर, अपने समाज से अलग हटकर अपने मन की कर रही हैं? आप में से कितनी लड़कियां बागी खुद को समझती हैं? आप बागी हैं, क्या कर रही हैं? मैम, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच। और मैम, जब मैंने ये ब्रांच चूज की थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आपको ये ब्रांच नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ये ब्रांच ली और अभी भी बोलते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, इंडिया में इसकी स्कोप कम है, यहाँ पे डिज़ाइनर नहीं है, एक्चुअली ऑटोमोबाइल में डिज़ाइनिंग भी इंडिया में नहीं होती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही होती है बस। तो फिर भी तो क्या लगता है आप, जो यहाँ तक तो आप बागी बन गई, अपना ब्रांच ले लिया, आगे नौकरी भी कर पाएंगी या फिर ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं दम तोड़ जाएगी? यस मैम, बात ये है कि फैमिली बोलती है कि आपको आप गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहिए, उनको लगता है कि अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पे टाइमिंग प्रॉब्लम होगी, जब आप ऑफिस में काम करते हैं ओवर टाइम भी होता है तो आप टाइम से घर नहीं आ पाएंगी, तो ये सब चीज़ें सफ़र करनी होती है इन सब चीज़ों पे। चलो, इस तरह के सवाल अमूमन हर लड़की के सामने यहाँ होगा ही होगा। हमारे साथ फैकल्टी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि उन्होंने इस सवाल का सामना कर लिया है और अब वो आगे बढ़ चुकी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जब शुरुआत की होगी क्या आपको भी इसी तरह के सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा, नौकरी या किचन, क्या देखें? सो आई कैन से दैट आई वाज वेरी लकी कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा, बिकॉज कि माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड आर वेरी सपोर्टिव, सो दे अलाउ मी टू डू जॉब एंड ऑल्सो किचन ऑल्सो। अच्छा, हम लड़कियां कितनी अच्छी होती है ना, अगर किसी ने अलाउ भी कर दिया कि ठीक है बेटा तुम जॉब कर लो तो हम कहते हैं दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी सपोर्टिव, लेकिन ये तो हमारा हक है। दिस इज आवर राइट। अच्छा, आपसे जाना चाहते हैं, आप आज जो कर रही हैं यही करना चाहती थी या कुछ और करना चाहती थी और फिर फैमिली प्रेशर में या फिर जरूरत के हिसाब से खुद को इसी के लिए ढाल लिया? नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं कुछ करना चाहती थी, वो उस समय मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, सो आई एडजस्टेड, एडजस्ट किया। आप कुछ कहेंगी?
करें, बेसिकली जो हम लोगों की प्रॉब्लम होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है, क्योंकि हमें एक ही समय पे दो काम करने होते हैं, फैमिली और रोजगार। तो ये काम तो पति भी करते होंगे, उनको भी तो मैनेज करना होता होगा। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी प्राइम नहीं होती, दैट बिकम सेकेंडरी। हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए अपना रोजगार भी प्राइम होता है और फैमिली भी प्राइम होती है ना। हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते ये सोच के कि दे आर क्राइंग। सो अगर मुझे अपना पीजी की थीसिस करनी है, वाई वाई की प्रिपरेशन और माई किड इज ऑल्सो क्राइंग, तो दोनों में से मुझे ऐसा नहीं सोच सकती ना कि वो रो रहा है तो लेट हिम किसी और को दे दिया। हाँ, किसी और को दे दिया। तो वो जो एक माइंड बैलेंस है ना, तो केवल दो चीजें होती हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, वो एक माइंड बैलेंस और एक है टाइम मैनेजमेंट। अदरवाइज सपोर्ट सिस्टम आज के समय में सबके पास सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जिसने ये दोनों बैलेंस कर लिया वो आगे बढ़ सकते हैं। आप में से बताइए कि आगे कुछ अलग करना है, घर वाले मना करें, फिर भी कुछ बागी होते हुए अपने मन का करना है, ये किस किस ने सोच रखा है, डिसाइड कर रखा है? मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मेरे ब्रदर्स मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और रोज रोज मम्मी से कहते रहते हैं कि अरे उसके लिए एक अच्छा लड़का देखा। बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, और मैं इंजीनियरिंग भी इसीलिए करना चाहती हूँ, और इलेक्ट्रिकल भी मैंने इसीलिए चूज किया है। मेरे भाई हमेशा कहते थे CS ले ले, इलेक्ट्रिकल में कोई वो नहीं है, लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा ये था कि नहीं, मुझे दुनिया देखनी है और मुझे अलग से वो करना है, तो वो चीज़ है। साथ में आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इंडियन वुमेन्स, कि मतलब उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने ही ट्रेड को आगे बढ़ा के। तो आई वॉन्ट टू प्रूव माई ब्रदर्स कि बींग अ गर्ल मैं उनसे डिफरेंट नहीं हूँ, मैं भी उनके साथ चल सकती हूँ। अच्छा, आप में से कितनी लड़कियां हैं जो लगता है कि फैमिली जो सोच रही है वही सही सोच रही है? आप ऐसा क्यों लगता है? जैसे कि हम जानते हैं कि पहले ये बोला जाता था कि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, पर अब ये 21st century में इतना बदल गया। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वर हैं, तो वो जानते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में उन्हें भेजना है, दैट्स वाई उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कराई, और वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, दैट्स वाई। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा डायरेक्शन दिखाया है कि तुम इंजीनियरिंग करो, देन तुम्हारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री आएगी जिससे तुम कहीं बहुत जगह जा सकती हो। ऐसा तो नहीं कि फैमिली ने जो सपना दिखा दिया आप वहीं बंद गई? हो सकता है इससे बड़ा सपना और इससे कुछ अच्छा बेहतर सपना आप देख सकती थी? तो मैम, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है, सो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ और अलग हट के करूं उससे, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा डायरेक्शन दे दिया है कि आई एम सेटिस्फाइड। और गलती से अगर इंजीनियरिंग ना करने का मन हुआ, कुछ और करना है, डांसर बनना है, तो फैमिली साथ होगी? यस मैम, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड मुझे पता है कि वो साथ होगी जो मैं करना चाहूंगी। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, वो कहेंगे जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है। आप बता रही थी कि किस तरह से टफ अगर कोई लाइन लेती हैं लड़कियां तो प्रॉब्लम होती है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है? घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन पापा मेरे सिविल से ही जुड़े हुए हैं, तो मैंने सिविल ब्रांच इसी ले ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इंटरेस्ट होगा। पर जैसे हम किसी को बताते हैं कि सिविल में, तो बोलते लोग सिविल से हो, सोच लो एक बार कि फील्ड वर्क होगा, ये सब यही प्रॉब्लम होती है। लोग तैयारी में होते, अब हम क्लास में जाते हैं तो सिर्फ 3 लड़के हमारे क्लास में, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर उनसे भी बात करो तो उनको भी लगता है कि कुछ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये सब बहुत प्रॉब्लम। कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए इसी कंफ्यूजन में? नहीं, हमें पता है कि हम एकदम सही रास्ते पे हैं और हमें यही करना था, लेकिन ये अगल बगल वाले डराते हैं। उस डर का सामना कर रही हैं, तैयार है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि लोग इतना तैयार नहीं है कि अभी ये सब सोच सके, तो उनको ऐसा ही लगता है कि फील्ड वर्क लड़कियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या होगा अगर मान लीजिए कल को शादी होती है, वहाँ ससुराल वाले बोलते नहीं हमें तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बाहर काम करने जाए घर संभाले, फिर? ऐसा तो हो सकता है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि मेरी दीदी भी ऐसी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसके घर उसके लॉस ये चाहते हैं कि टीचर बन जाए, वो बहुत सेफ जॉब है, वो स्टेबल जॉब है, मतलब को समझ नहीं आता कि स्टेबल जॉब वो भी तो वेल सेटल जॉब है, तो क्यों ऐसे लोग सोचते हैं। तो ये थोड़ी मेंटालिटी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही कंप्रोमाइज करेंगी, लड़के नहीं कर सकते कंप्रोमाइज, ऐसा लगता है। प्रेशर भी बनाया जाता है बहन पर? हाँ शायद वो प्रेशर भी होता है, और वो और लड़कियों की भी गलती होती है, क्योंकि वो तैयार हो जाती है सब करने के लिए, उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप सब तैयार नहीं है? आप सब वही करेंगे जो आपको करना है? मुझसे अगर कहा जाए किचन का रास्ता तो मैं बिल्कुल ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मेरा कहना होगा कि मतलब जो मेरा अगर मुझे प्रेशराइज किया जाएगा तो मैं कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा कहना है हमने जिस लिए मेहनत किया, जिस लिए पढ़ाई किया, अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? मतलब इसलिए थोड़ी बने हुए हैं कि घर पूरा काम घर ही, मतलब सिर्फ हमको किचन घर का ही काम करना।
चले टीचर्स के पास चलते हैं, फैकल्टी के पास चलते हैं, ये बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं किसी सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करती, लेकिन जब हम दुनियादारी में आते हैं बहुत सारे सच्चाई से सामना होता है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं रास्ते में, तो उसका क्या असर होता है, किस तरह से उसको फेस करते हैं? उसके लिए तो ऐसा है कि अब मतलब हर्डल्स तो हर एक रास्ते में आते हैं, ऐसा कोई भी प्रोफेशन हो या ऐसी कोई भी लाइफ हो जिसमें हर्डल ना हो, और हर्डल के बिना तो लाइफ फिर कुछ है ही नहीं। जैसे अगर मतलब किसी को एमटेक करना है तो उसके साथ बहुत सारे हर्डल्स हैं कि मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले ही आप मतलब किसी कैंपस में प्लेसमेंट ले लो, तो फिर उसी के हिसाब से जॉब वॉब करो। बट बाई गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया कि नहीं आप फुल कंटिन्यू स्टडी करो, और जब जो आपको करना है जैसा करना है उसी हिसाब से करो। आप अपना डिसीजन आप खुद, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप खुद अपना डिसीजन अपने आप से लो। ऐसा बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिनको मिलता है बहुत अच्छी बात है, ऐसी स्थिति होती है। तो आप बताएंगी किस तरह की दिक्कतें होती है घर परिवार, और सिर्फ शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम उससे पहले शुरू हो जाती है। जब घर में शादी की बात शुरू होती है तब भी पेरेंट्स कहने लगते हैं कि पढ़ाई ऐसे स्ट्रीम में करो जो आगे चल के दिक्कत ना हो, नौकरी ऐसे स्ट्रीम में करो जो आगे चलकर दिक्कत ना हो, ससुराल जो भावी ससुराल अभी तक बना नहीं है उस ससुराल वालों को पसंद हो ऐसी नौकरी करो, घर से प्रेशर ही बनना शुरू हो जाता है। तो क्या आपको भी इस प्रेशर का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मतलब पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट दिया जब पढ़ाई भी करते थे, और आफ्टर मैरिज भी ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक चीज है कि विल पावर आदमी की कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो मेंटेन करिए। शादी के बाद भी आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी जो मतलब पहले है। अगर ये मेंटेन है और बैलेंस आप मेंटेन कर लेते हैं फैमिली के बीच में और प्रोफेशनली, तो मुझे लगता है कि पूरा सब मैनेज हो जाता है। और जहां तक सीखने की बात है, आदमी हर एक स्टेप में सीखता है, हमने पहले भी सीखा और अभी भी हम स्टिल सीख रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि पढ़े लिखे परिवार में भी, जो नौकरीशुदा परिवार है वहां पर भी बच्चियों को समझाया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे आपको काम करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। सही हूँ मैं? बिल्कुल सही हो, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरी फैमिली में मुझे इसीलिए पढ़ाया गया कि अगर जरूरत पड़े, ये नहीं कि आपको जॉब ही करना है, बट इन फ्यूचर इफ इट इज रिक्वायर्ड तो आप अपने पैरों पे खड़ा हो सको, और इसलिए मैंने पढ़ाई की। बट आफ्टर मैरिज जब मैं यहाँ पे आई, मुझे जॉब करना था, तो कहीं ना कहीं जो इन लॉज हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि नहीं, जॉब अगर आप करोगे तो फिर मतलब मेरे हस्बैंड को सपोर्ट नहीं मिलेगा शायद, फिर थोड़ा सा अगेंस्ट थे, बट धीमे धीमे उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया। नाउ अभी वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट जब बच्चे की बात आती है, तो अभी मेरा बच्चा नहीं है, बट जब बच्चा होगा तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और मैं बच्चे पे फोकस करूं। आई थिंक, मुझे लगता है कि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हम इतने खुद समझदार हैं कि हमें क्या करना है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, कभी कोई ये सोच कर गलती से भी सोचता है कि बच्चा होगा तो जो मेल पर्सन है वो जॉब से छुट्टी लेगा? मेरे साथ है ऐसा, जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे हस्बैंड दोनों फैमिली को या घर को आपको 50-50% मैनेज करते हैं, तो मेरे साथ शायद मुझे ये नौबत नहीं आएगी कि मेरा बच्चा होगा तो मेरे हस्बैंड या मैं डिस्कस करेंगे कि तुम छुट्टी लो या मैं छुट्टी लूँ, हम दोनों मैनेज कर लेंगे, और एंड ही इज रेडी। और अभी भी हम ऐसे ही करते हैं कि जब मैं जॉब पे होती हूँ वो घर पे होते हैं, तो वो घर का काम करते हैं, मैं होती तो मैं करती हूँ। ये अच्छी बात है, इसके लिए तो क्लैप होना चाहिए और सभी को इस तरह से मैनेज भी करना चाहिए। मैम, कहने को तो यही कहते हैं कि थिंकिंग बदल गई है, मॉडर्न जमाना है, बट ऐसा कुछ नहीं, बस एज लिमिट बढ़ी है। जो काम पहले 18 साल पे किया जाता था तो वो काम 25 साल पे किया जाता है। आज भी हमारे पेरेंट्स की ये थिंकिंग है, ठीक है जॉब कर लो, सब कर लो, मैं तुमको सब छूट दे रहा हूँ। लेकिन ये होता है कि 25 आते ही जब लड़की एज लिमिट क्रॉस करती है तो ये होता है कि नहीं, शादी 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 यही लगा रहता है। जैसे कि मेरा बिजनेस का प्लान है, मैंने सोच रखा है कि मैं MBA के बाद बिजनेस ऑप्ट करूंगी, बट मेरे अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या मुझे वो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि पहले मैं बिजनेस सेटअप कर लूँ फिर अपने सिक्योर लाइफ के बारे में सोचूं। सो ये अभी थिंकिंग नहीं हुआ, तो ये सब कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में अभी भी है। किसी से आपने शेयर किया घर में? हाँ, मैंने बोला है, लेकिन कभी ना कभी मम्मी कहती तो है, बट ये होता है कि फिर देखेंगे। लेकिन पापा के मुंह से ये निकलता है, मेरी रिटायरमेंट है एंड 26 के बाद 27 के बाद शादी होने जानी चाहिए। ये थिंकिंग है अभी भी कि हाँ, 28 तक एक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, अगर वो क्रॉस करती तो फिर होता है क्यों नहीं हो रही है, या तो तुम कुछ कर नहीं पाई, तुम कितना टाइम गैप ले रही हो, हमारे पास ये नहीं है, तो ये सब सुनने को तो मिलता ही है। अच्छा, सबसे मैंने बात की और सब शादी का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं, शादी को किस तरह से लड़कियां लेती हैं?
ये बस एक सामाजिक रिवाज है, उससे आगे बढ़ना है या एक बहुत बड़ा बंधन है? मैम ये भी एक पेरेंट्स उसको एक सिक्योर हमारी सिक्योर लाइफ की तरह देखते हैं, बट शादी एक लड़की के लिए भारी पड़ती है क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती हैं। लड़कों के लिए उतना कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता जितना लड़कियों के लिए होता है। उन्हें अपना घर छोड़ो, फिर उसके बाद अपनी चीजें छोड़ के मैं भी उनकी बातें सुनूं, उनके वे में सेटल हो। सो हम लोग भी वही उतने ही पैसे दे रहे हैं, हम लोग भी उन्हीं की तरह टाइम गैप देके पढ़ रहे हैं, हम लोग भी उतना ही एफर्ट दे रहे हैं, पर हम लोग से एक्स्ट्रा उम्मीदें रखी जाती हैं। ये तो है, सच्चाई है। आप कुछ कह रहे हैं? मैम मेरी एक बड़ी बहन है, वो तीन साल से प्रिपरेशन कर रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मतलब मम्मी पापा चाहते हैं कि वो जॉब करे, लेकिन रिलेशन वाले मतलब उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि लड़की बड़ी हो गई है इसकी शादी कर दो, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसकी शादी करनी पड़ रही है। तो जब पेरेंट्स नहीं चाह रहे तो वो शादी क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स रिलेटिव्स हमारे साथ है, बेटी का यहाँ पेरेंट्स के साथ हैं, रिलेटिव्स के फोर्स से वो शादी करनी पड़ रही है। बाकी घर वाले चाहते हैं कि हाँ एज हो गई है तो शादी हो जाए, 3 साल हो गए वो प्रिपरेशन कर रही है, वो चाहती है कि मतलब जॉब करे, मम्मी पापा भी चाहते हैं, लेकिन दबाव में आके शादी करनी पड़ रही है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी यही चाहते होंगे, क्योंकि एक बार अगर मम्मी पापा ने कह दिया कि मुझे मेरी बेटी है, मैं जब चाहूँ तब शादी करूँ, फिर क्या करेगा समाज, कुछ नहीं कर सकता? ये तो है, लेकिन मम्मी पापा भी यही उनके दबाव में आ जाते हैं और बेटियां मम्मी पापा के दबाव में, यही होता है। तो क्या लगता है आपके सामने भी ये सवाल होगा? फिर मेरे सामने भी मतलब मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी और ज्यादा वो हो जाएंगी और मेरे स्मूथ हो जाएंगे। तो आप रास्ता सरल होने का इंतजार कर रही हैं, खुद को बागी बनने के लिए तैयार कर रही हैं? मैम अगर रास्ता सरल हो गया तो ठीक है, वरना मैं अपने लिए कुछ स्टैंड करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। मेरी समझ से जो जैसे गर्ल चाइल्ड है, मेरी लड़की है, तो मुझे लगता है कि उसकी अपब्रिंगिंग में मुझे वो कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। जो हम लोग हर चीज को सपोर्टिव ले रहे हैं वो तो हमारा राइट है, एक्चुअली हमारा राइट है कि जो बॉयज के लिए वही गर्ल्स के लिए। तो मुझे अपब्रिंगिंग में ही बच्चों को वही कॉन्फिडेंस अपनी गर्ल चाइल्ड को देना कि आपका वही राइट है, कि आप ये मत मान के चलो कि जो इन लॉज सपोर्ट कर रहे हैं या हस्बैंड, कि उतनी ड्यूटी उनकी भी बनती है उतनी ड्यूटी हमारी भी बनती है। तो मेरा ये सोचना है। आपको लगता है कि जो अभी तक का जो समाज है, या अब हम बदलाव की तो बहुत बात करते हैं लेकिन फिर भी जो स्थिति है, तो हम अपने उसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं ना। तो जैसे मेरी सोच, मैंने जो आज तक एक्सपीरियंस किया, वाकई लक अच्छा था कि मुझे भी सभी सपोर्टिव मिले, मुझे कभी कोई हिंड्रेंस नहीं मिली। जॉब भी मैं मैथमेटिक्स में मैंने किया PhD, और कंडीशन ये थी कि 130 का पूरा हॉल होता था, अकेली तब के टाइम में मैंने अकेले किया है मैथ्स में, मैं अकेली गर्ल स्टूडेंट हुआ करती थी, मैंने वो सारी चीजें फेस की। तो उसको फेस करने के बाद उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब ये चीजें अपने बच्चों के अंदर मुझे डालनी पड़ेंगी कि उनका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से डेवलप हो, कि आगे जो है वो उसी राइट के हिसाब से, उसी अधिकार के हिसाब से वो चीजें अपनी मांग सके कि हमें ये करना है, और उनको कोई हिंड्रेंस ना हो। यानी कि सब नौकरी, रोजगार या फिर किचन, ये जब सवाल आता है तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लड़कियां कॉन्फिडेंट हो, उन्हें पता हो कि उन्हें क्या करना है, फिर समाज या परिवार, ये जो परेशानी खड़ी होती है वो परेशानी दूर हो जाएगी। आज से 6-7 साल पहले जहाँ 25 साल की लड़कियां हुई नहीं कि शादी के लिए बोल दिया जाता था कर लो, एंड मेरे बाबा दादी ये लोग भी बोलते थे, मेरी बड़ी सिस्टर के टाइम में उन्होंने बोला कि शादी कर दो, हो गई 25 साल की बस। एंड वहीं पे मेरी सेकंड सिस्टर जो थी, उन्हें अपना मेडिकल कंप्लीट करना था, उन्होंने बोला तो वो मान गए। और अभी मैं यहाँ आई इंजीनियरिंग करने के लिए, अब मेरे जितने कजिन सिस्टर्स वगैरह हैं वो भी यही बोलते हैं कि नहीं मुझे भी अपना करियर देखना है, शादी नहीं। तो मैम अब वो घर वाले भी पूरा सपोर्ट करने लगे हैं, मेंटेलिटी चेंज हो रही है लोगों की। खुशी मिलती है? यस मैम। बदलाव का हिस्सा बनी है आपकी बहन आप? यस मैम। चलिए ये हिम्मत होनी चाहिए कि बदलाव का हिस्सा बने, बदलाव लेकर आए, ये सोच बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। मैं अभी सिविल ब्रांच से हूँ, यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद मैं IAS की प्रिपरेशन करूंगी। तो फिर मेरे मम्मी पापा तो रेडी हैं क्योंकि हाँ एक टाइम था जब उन लोग को भी सोचना पड़ा कि सिविल वो भी लड़कियाँ, तो लेकिन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता है कि मैं मैनेज कर लूंगी बिकॉज आई एम स्ट्रांग। आप स्ट्रांग है। इसके बाद आपको IAS की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी समय मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, मैं दूंगी, पूरा समय दूंगी। समय देने से मिलता है, निकालने से मिलता है, मैं दूंगी। चलिए अच्छी बात है, ये जज्बा होना चाहिए। मैम मैं बोलना चाहूंगी कि ये गर्ल्स को मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए। ये सब कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे टीचर सपोर्ट कर रहे हैं,
क्यों नहीं बॉयज ऐसा बोलते हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत ही क्यों है, क्या हम खुद अपने लिए सपोर्ट काफी नहीं है? कहते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशर है, मैं शादी कर ली। मैम, स्मूथ रोड नेवर मेक्स गुड ड्राइवर। दंगल मूवी में आपने देखा होगा, पूरा आज हरियाणा क्या पूरा इंडिया गर्व कर रहा है उनपे, जब वो इतना फेस की तब तो, जब तक हम लोग ठीक है, एक पेरेंट्स मेरे नाराज होंगे, दो पेरेंट्स नाराज होंगे, पर मेरे कुछ अच्छा कर जाने से कई पेरेंट्स हम पे गर्व भी तो करेंगे ना। तो गर्ल्स को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई उन्हें दबा न सके। ये अच्छी बात है, जरूरी है कि मानसिकता बदले, मानसिकता बदल भी रही है, और बहुत जरूरी है कि लड़कियां इसमें अहम भूमिका निभाएं मानसिकता बदलने में, खुद को भी मजबूत करें, खुद के हक के लिए लड़ें, आगे बढ़ें, जो करना चाहती है वो करें, जो एक्सक्यूज का अम्ब्रेला है उससे बाहर निकलें, खुद कुछ करने का दम भरें और करके दिखाएं, और जब वो बड़ी हो जाएं, यानी कि जब वो इस सवाल से आगे निकल जाएं, तो अपने बाद की जो जनरेशन है उन्हें भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करें। इस वक्त पिंक एक्सप्रेस में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जगह पर।